हाय गाइस, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ तोरी की सब्ज़ी की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बेसिक है। तो इसको मैंने छील के रख लिया है एक कंटेनर में। इसको बनाने के लिए बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सिर्फ प्याज। इसमें प्याज थोड़े ज़्यादा डलते हैं, तो मैंने 3 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्ची। लहसुन इसमें बहुत ही की इंग्रेडिएंट है, बहुत अच्छा सा टेस्ट देता है लहसुन अगर आप इसमें यूज़ करेंगे तो। और दैट्स ऑल, इसको बनाने के लिए बस यही सब हमें चाहिए। इन सब को मैंने काट के रख लिया है। अब हम गैस ऑन करके थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2 से 3 चम्मच के करीब। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना चाहिए। जैसे ही ऑयल गरम होता है उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा स्प्रिंकल होने के बाद हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा जल जाएगा तो जला सा टेस्ट देगा। तो इसको हिलाएंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्च। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसके लिए सिर्फ एक लाइट ब्राउन ट्रांसल्यूसेंट सा एक कलर जब प्याज का आ जाए तो उसके बाद हम इसमें अपने ड्राई मसाला जो है वो ऐड करेंगे। देखिए, इस तरह का सिर्फ प्याज होना चाहिए, बिल्कुल लाइट ब्राउन। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, और बिल्कुल पिंच ऑफ लाल मिर्च, हल्दी 1/2 चम्मच और 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर। इसको अच्छे से हिलाएंगे प्याज को, फिर इसमें कटी हुई तोरी हम ऐड कर देंगे और सब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम एक्सटर्नली कोई भी पानी ऐड नहीं करते, बिकॉज तोरी जो होती है वो खुद ही बहुत वाटरी होती है, अपना पानी छोड़ती है पकते टाइम, तो पानी एक्सटर्नली ऐड ना करें। जितना तोरी का पानी है उसी में इसको पकने दे, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए इसने कितना पानी छोड़ा है। और बस इसको एक ही चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम इसको बिल्कुल एकदम लो फ्लेम पे इसको पकाएं, और 5 से 10 मिनट के अंदर ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। 10 मिनट के अंदर ये सब्ज़ी आपकी रेडी है। आज मैं इसको खा रही हूँ चपाती, 1 ग्लास लस्सी के साथ। आप दही के साथ इसको खाइए या किसी भी तरह की दाल के साथ इसको खाइए। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और यमी सब्ज़ी बनती है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैंने उसमें मेंशन किया है कि हेल्दी है ये कितना आपके लिए। तो प्लीज़ एंजॉय दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।